को बेसब्री से इंतजार था, तो स्वागत कीजिए जाने माने डॉक्टर सौरभ शर्मा का, जो एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर और एक प्रख्यात आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, जो हमें आज के समय में च्यवनप्राश के फायदों और उपयोग के बारे में बताएंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ शर्मा और मैं आयुर्वेदाचार्य हूँ, आयुर्वेदा डॉक्टर हूँ। पिछले 13 सालों से दिल्ली में चिकित्सारत हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आज की इस दौड़धूप भरी जिंदगी में जब इतना पॉल्यूशन है और हम सभी लोग उससे चिंतित हैं, ना कि केवल पॉल्यूशन बल्कि हमारा खान पीन, हमारा आहार विहार, जी हाँ, वह भी इतना अच्छा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उस तरह का ऑर्गेनिक फूड हमें मिलता नहीं है। जी हाँ, और भी केमिकल्स हैं, और भी फिजिकल मेंटल स्ट्रेसेस हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं जिनसे हम अक्सर जूझते रहते हैं। तो हम सभी परेशान हैं, लेकिन इन परेशानियों से निकलने के लिए हम क्या करें? जी हाँ, आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि हमें क्या करना है। मैं आप सभी को ले जाना चाहूँगा 5000 साल पहले, जी हाँ, आयुर्वेद के साथ, आयुर्वेद जो कि है आयु का वेद। मैं हमेशा सभी को कहता हूँ आयु का वेद, यानी यहाँ हम किसी दवा या किसी अलग तरह की केमिकल की बात नहीं करते। हम काम करते हैं, हम समझते हैं आयु के वेद को, यानी कि हम सभी लोग चाहते हैं अच्छी आयु जीना। जी हाँ, ना केवल लॉन्जिविटी बट क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो, वह हमें मिल सकती है आयुर्वेद से। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हमारे अपने पुराने च्यवनप्राश की। च्यवनप्राश मुझे पता है हम सभी को याद है, बचपन से सुनते आ रहे हैं ना। जब हम छोटे थे तब भी ये सोचते थे पापा मम्मी च्यवनप्राश खिलाते हैं, टेस्ट तो अच्छा नहीं होता लेकिन फिर भी खाना है, ताकत आती है, बिग बनोगे। जी हाँ, हमने शुरू से यही सीखा है। लेकिन आज मैं आप सभी का ध्यान वापस उसी च्यवनप्राश पर ले जाना चाहता हूँ, वही च्यवनप्राश जो कि हमें ताकत देता है, इम्यूनिटी देता है, स्ट्रेंथ देता है। हम अच्छे से समझेंगे, विस्तार से समझेंगे कि ये क्या है, कैसे काम करता है और क्यों इस समय बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जहाँ हम क्यों की बात करते हैं, आशा करता हूँ कि अभी जो ये प्रेजेंट पेंडेमिक चल रहा था या है, इसमें आयुष मिनिस्ट्री ने भी इम्यूनिटी के ऊपर, च्यवनप्राश लेने पर तथा विभिन्न विभिन्न प्रकार के काढ़े लेने पर, इन सब पे बहुत जोर दिया। हम सभी को क्यों इस चीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि अब इस सिनेरियो में, बल्कि यूं कहिए कि ये हमारी ही अनभिज्ञता है कि हमने इसे नज़रअंदाज किया, हमने हमारी इम्यूनिटी को नज़रअंदाज किया, हम ये भूल गए कि हम तो नेचर से जुड़े हैं। आप सभी को ये भी याद दिलाना चाहूँगा, आयुर्वेद का जो प्रयोजन है या जो ऑब्जेक्टिव है वह है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। अर्थात आप तो जानते ही होंगे, हम तो आयुर्वेद वाले हैं, संस्कृत वाले। जी हाँ, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आप स्वस्थ हैं तो आपका जवाब होगा जी हाँ। तो अभी हम इस बारे में भी आगे समझेंगे कि स्वस्थ की आखिर परिभाषा है क्या। तो जी हाँ, स्वस्थ के स्वास्थ्य की परिभाषा और आतुर के विकार का प्रशमन, यानी कि अगर आप हेल्दी हैं तो आपकी हेल्थ को मेंटेन करना। जी हाँ, यह है आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन। जो पहला प्रयोजन है, जो पहला ऑब्जेक्टिव है, वह है आपके स्वास्थ्य की रक्षा करना। आपके स्वास्थ्य की रक्षा कैसे होगी? मैं हमेशा सभी अपने मित्रों को, दोस्तों को और पेशेंट्स को यह बोलता हूँ, आप प्रकृति से जुड़े रहिए। अगर आप प्रकृति से जुड़े हैं तो डेफिनेटली आपको किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा। देखिए, आयुर्वेद बहुत ही डीप है, क्योंकि समझने वाला है। और हेल्थ को अगर समझना है तो जी हाँ, डीप से तो समझना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें नया कुछ नहीं करना है, हमें उन्हीं प्रकृति के नियमों का पालन करना है जो कि हम लोग भूल गए हैं, अनभिज्ञ हो गए हैं। आयुर्वेद में इसको कहा जाता है प्रज्ञापराध, यानी कि मिस्टेक इन इंटेलेक्ट। मुझे पता है ये मैं गलती कर रहा हूँ लेकिन फिर भी कर रहा हूँ। तो जी हाँ, ऐसे में हम लोग बात करेंगे हमारे अपने प्रिय, मैं कहूँगा सर्वप्रिय, सर्वोत्तम प्रिय च्यवनप्राश की। क्या है ये च्यवनप्राश? हम तो यही जानते हैं बचपन से कि एक पेस्ट जैसा कुछ होता है, उसको खाते हैं, जिसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता लेकिन पापा मम्मी और दादा दादी कहते थे कि ये बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। चलिए हम चलते हैं 5000 साल पहले। कहाँ से आया है ये च्यवनप्राश, कैसे बना ये च्यवनप्राश? आप सभी को आयुर्वेद के बेसिक्स तो पता हैं, आप सभी लोग समझते हैं कि क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन जब हम च्यवनप्राश की बात करें तो जी हाँ, च्यवनप्राश, अब देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, च्यवन और प्राश। च्यवन कौन थे? च्यवन एक ऋषि थे। आपको तो पता ही होगा ना, हमारी संस्कृति में कहा गया है कि सबसे बड़ा अगर आपका जो मेन एम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मोक्ष प्राप्ति। जी हाँ, मैं चारों मानता हूँ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों चीज़ें हैं, लेकिन चौथे नंबर पर है मोक्ष प्राप्ति, जो कि सबसे पहले, हम सबसे लास्ट में हमें चाहिए। अब अगर मोक्ष प्राप्ति करनी है
साधना भी करनी पड़ेगी। तो जी हाँ, च्यवन ऋषि जो थे उन्होंने साधना की मोक्ष प्राप्ति के लिए, मोक्ष पाने के लिए, भगवान के लिए बहुत तपस्या की। अब तपस्या करेंगे, जंगल में रहे, तपस्या की, घोर कनघोर उन्होंने तप किया। तो आयुर्वेद में कहा जाता है शीर्यते इति शरीरम, यानी जिसका हर पल शरण हो रहा है वह क्या है, शरीर। तो वही च्यवन ऋषि के साथ हुआ, उन्होंने इतनी तपस्या की कि वो अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाए। अब नहीं ध्यान देने तो एजिंग तो आनी थी, सभी की आती है, आपकी और मेरी भी आएगी। तो जी हाँ, वो बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, बहुत वीक हो गए। और आगे जाके जब उनकी तपस्या पूरी हुई तो, और एक्चुअली स्टोरीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन आप इतना समझिए कि च्यवन ऋषि जब बुजुर्ग हो गए, उन्होंने वापस सोचा कि मैं तो वापस जवान होना चाहता हूँ। तो उन्होंने जब भगवान की तपस्या की तो अश्विनी कुमार जो कि भगवान के जैसे कहते ना पर्सनल फिजिशियन, उन्होंने ये च्यवनप्राश का आविष्कार किया। उन्होंने कुछ हर्ब्स को मिला के एक पेस्ट बना के च्यवन ऋषि को दिया, जिससे वो वापस जवान हो गए। देखिए उस समय की बात कुछ और थी, आज की बात कुछ और है, लेकिन हाँ ये स्टोरी है कि अगर आपको पुनर्यौवन, यानी कि अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो आपको अगर दोबारा जवान होना है या इस बुढ़ापे की प्रक्रिया को स्लो करना है, बंद तो नहीं कर सकते, नेचर का प्रोसेस है, स्लो करना है तो उसके लिए च्यवनप्राश। तो च्यवन ऋषि को जो प्राश, यानी कि एक मिक्सचर ऑफ फूड, मैं हमेशा सभी को कहता हूँ कि जो मुझे मेरे पेशेंट आके बोलते हैं सर आपने जो दवाई दी थी, मैं बोलता हूँ दवाई नहीं है ये तो हर्ब्स हैं, दवा थोड़ी है, कोई केमिकल थोड़ी दे रहे हैं, ये तो हर्ब्स हैं। उन्हीं पंच महाभूतों से मिलकर बने हुए इन्हीं पेड़ पौधों की जड़ी बूटियों के कुछ मिक्सचर हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, और जो क्या करेंगे ये भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जी हाँ, च्यवनप्राश बेसिकली च्यवन ऋषि जो कि वापस पुनर्यौवन को प्राप्त हुए उन हर्ब्स के थ्रू, वो है च्यवनप्राश। 5000 साल पहले ये हुआ, लेकिन आयुर्वेद तो वही है, जड़ी बूटियां तो वही है। तो जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं च्यवनप्राश की। च्यवनप्राश, इसको आयुर्वेद में कहा जाता है सबसे अच्छा रसायन। अच्छा लगा आपको भी सुन के, मुझे भी कह के अच्छा लगा, लेकिन ये रसायन है क्या? रसायन का मतलब है रिजुविनेटर, वही जो शब्द जो मैंने अभी बोला कि पुनर्यौवन को प्राप्त करने वाला। इसको संस्कृत में थोड़ा समझाता हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। इसको कहते हैं कि एक, यानी आयुर्वेद की एक साइंस है, जैसे होता है मॉडर्न साइंस में होता है ना पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, उसी तरह एक आयुर्वेद का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं रसायन चिकित्सा। और आयुर्वेद में कहा गया है लाभो पायो ही शस्ता नाम रसायन, यानी कि वे सभी लाभ और उपाय जिनसे कि, अब समझिएगा, रसादि धातुओं की पुष्टि होती है उसे बोलते हैं रसायन। अब आप समझिए, आपने आजकल तो सभी लोग इतने सब अवेयर हैं, इतने समझदार हैं, सब लोग समझते हैं कि वातपित्त कफ से शरीर बना है ना, ऐसे ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वातपित्त कफ से शरीर नहीं बना है, हमारा शरीर बना है 7 धातुओं से। तो जो ये रसायन है ना, इस रसायन से उन सारी धातुओं की पुष्टि होती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, एसेंस इंप्रूव होता है। वातपित्त कफ क्या चीज है, इसको और समझते हैं। वात पित्त कफ, ये 3 दोष जो है ये एनर्जीज हैं। जैसे एक कार चलाने के लिए इग्निशन एनर्जी चाहिए, है ना, मोमेंट एनर्जी चाहिए, यानी ये 3 एनर्जी प्रिंसिपल्स हैं जिनसे हमारी बॉडी में सारे फंक्शंस होते हैं, वात पित्त कफ। तो जो रसायन है वो बेसिकली रस आदि धातुओं की पुष्टि करने वाला रसायन। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम तो इतने किस्मत वाले हैं कि हम इस भारत भूमि में पैदा हुए जहाँ की हम बचपन से समझते हैं। आपके घर में जो मसाले हैं ना जिनसे आप खाना बनाते हैं वो भी एक तरह का रसायन है। आप जो घर में दूध पीते हैं वो भी एक तरह का रसायन है। और आप विश्वास नहीं करेंगे इन्हीं रसायनों में, सॉरी मैं ये बात कर रहा हूँ, एक और रसायन होता है जिसको बोलते हैं आचार रसायन, यानी आचरण का रसायन। जिस तरह से आप रहते हैं, भगवान की पूजा करना, वेद पाठ करना, साफ सुथरे, शुचि साफ सुथरे रहना, अपने काम में दक्ष होना, ये भी एक रसायन है। देखिए ये सारी चीज़ें हम चाहते क्या हैं, आप ये समझिए, हमारा जो पर्पस है वो पर्पस है आपको हेल्दी रखना। आयुर्वेद डॉक्टर हमेशा ये चाहता है कि भाई जो मैंने कहा कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षा, आपके स्वास्थ्य की रक्षा करना, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों को फॉलो करना। तो देखिए मैंने आपको बताया वात पित्त कफ 3 दोष हैं, 3 एनर्जी प्रिंसिपल्स हैं। 7 धातुएं कौन सी हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस क्या हुआ आपका, प्लाज्मा, जो आपने देखा होगा ब्लड के साथ जो होता है वाइट कलर का ना, रक्त ब्लड हो गया। मांस क्या हो गया आपकी मसल्स, मेद क्या हो गया आपका फैट, अस्थि यानी बोन्स, मज्जा यानी बोन मैरो, शुक्र यानी जो आपका रिप्रोडक्टिव टिश्यू है। मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इस चीज़ को समझें, क्योंकि आप तभी इस चीज़ को समझ पाएंगे कि च्यवनप्राश कैसे काम कर रहा है। अब देखिए क्या हुआ, 3 दोष हो गए है ना, 7 धातुएं हो गई। अब इम्पॉर्टेंट ये है,
अगर हमने छोटी मोटी फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ी है तो हम थोड़ा सा समझते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कोई कैटलिस्ट चाहिए होता है, हमें कोई ना कोई कैटलिस्ट चाहिए। एक रिएक्शन जैसे पानी है, H2O को तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो H + OH ऐसे ब्रेक होता है, तो उसकी उसमें एक एनर्जी लगती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं अग्नि। आयुर्वेद में वैसे तो 13 तरह की अग्नि बताई गई है, लेकिन हम सिंपल समझते हैं जठराग्नि, यानी मेरी डाइजेस्टिव फायर। अब यहाँ देखिए, जब मैं रसायन की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ अग्नि की बात भी करूँगा, क्योंकि डाइजेस्टिव फायर बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब, साहब च्यवनप्राश बहुत बढ़िया, लेकिन मेरी तो अग्नि अच्छी नहीं है, मैं तो पचा ही नहीं सकता, मैं तो रोटी भी नहीं पचा सकता, मैं च्यवनप्राश क्या पचाऊंगा। अब यहीं पे, यहाँ भी और आगे बात करेंगे कि यहीं पे बात समझ में आती है कि च्यवनप्राश क्या करता है, आपकी बॉडी में ना केवल रसादि धातुओं की पुष्टि करता है, बल्कि तीनों दोषों को, वात पित्त कफ को बैलेंस करता है और अग्नि को भी बैलेंस करता है। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात हो रही है यहाँ पे। मैंने एक च्यवनप्राश खाया, च्यवनप्राश जिसके अंदर सारी हर्ब्स मिली है, भी हम उनके बारे में बात करेंगे, जिससे मेरी सातों धातुएं बैलेंस हो गई। और इन सातों धातुओं के बाद जो मेन धातु बनती है या जो हमारी बॉडी का एक्सट्रैक्ट बनता है, उसको बोलते हैं हम ओजस। और यही वो ओजस है जिसको आप लोग आजकल इम्यूनिटी के बारे में समझते हैं कि भाई मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। कहने का मतलब है, भाई आपकी इम्यूनिटी तो अच्छी है, लेकिन आपका ओजस अच्छा है इसलिए आपकी इम्यूनिटी है। आपने अक्सर ये भी देखा होगा, हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ कुछ खाते हैं, है ना, सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि इम्यूनिटी यानी कि ओजस सब कब अच्छी बनेगी, जब उससे पहले वाली सारी धातुएं अच्छी बनेंगी, रस, रक्त, मांस, में दस्ति, मज्जा, शुक्र। वो कब अच्छी बनेगी, जब आपके बॉडी में तीनों दोष बैलेंस होंगे। वो कब बैलेंस होंगे, जब आपकी बॉडी में सारी अग्नि बैलेंस होगी। आयुर्वेद में कहा भी गया है, जो परफेक्ट हेल्थ की डेफिनेशन है, उसमें समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इति विधीयते, यानी कि समदोष, कितने दोष, तीन, वात पित्त कफ, समदोष यानी तीनों दोष बैलेंस हो, समदोष समधातु सातों धातुएं बैलेंस हो, सारी अग्नि बैलेंस हो। और इसके ऊपर सबसे बड़ी चीज यहां समझिएगा, आपके दोष बैलेंस हो, आपको धातु बैलेंस हो, आपकी बॉडी में से मल निकल रहा हो, यानी कि स्वेट, यूरिन, फीसिस, ये भी निकले। देखिएगा, अगर दो दिन फ्रेश होने आप नहीं जा पाते हैं, स्टूल करें, तो कितना पेट में दर्द, परेशानी, कुछ झुंझलाहट, गुस्सा सब आता है। यूरिन 6 घंटे ना पाए तो दिक्कत, तो ये भी निकलना जरूरी है। प्लस साथ में प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन, यानी आत्मा, इंद्रियां और मन, ये भी ब्लिसफुल कंडीशन में होने चाहिए, खुश होने चाहिए, तब जाके आपकी बनेगी परफेक्ट हेल्थ। चलिए वापस हमारे रसायन यानी कि च्यवनप्राश के पास चलते हैं। तो जी हाँ, रसायन यानी च्यवनप्राश यही करता है, क्या करता है च्यवनप्राश, रिजुविनेशन। थोड़ी सी बात करते हैं बेनिफिट्स की। यूं तो अनेकों बेनिफिट्स हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं सर इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, तो मैं उनको ये बोलता हूँ, साइड इफेक्ट का तो पता नहीं, लेकिन हाँ साइड बेनिफिट जरूर होगा जो शायद मुझे भी नहीं पता। इसको समझिए, हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का अगर कोई रोग होता है, बीमारी होती है, तो उसका एक प्रोसेस होता है, आयुर्वेद में इसको 6 स्टेप्स कहे जाते हैं। एक्यूमुलेशन होता है, फिर एग्रेवेशन होता है दोष का, टॉक्सिन का, फिर मैनिफेस्ट होता है। ऐसा नहीं कि जैसे मेरी स्किन पे कोई प्रॉब्लम हुई तो मैंने क्रीम लगा लिया ठीक हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसको समझिएगा, क्योंकि हम बहुत डेप्थ में जा रहे हैं थोड़ा सा आयुर्वेदिक। अगर मेरी स्किन पे कोई प्रॉब्लम हुई है तो इसका मतलब ये है कि मेरी बॉडी में कोई टॉक्सिन था जो मैनिफेस्ट हुआ है। तो जी हाँ, जब हम च्यवनप्राश यानी कि रसायन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग रिजुविनेशन की बात करते हैं। और केवल रिजुविनेशन नहीं, यहाँ पे हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं कि ये रिजुविनेशन करता है, आपकी अग्नि को बैलेंस करता है। आप समझिए, जो भी मैंने आपको परफेक्ट हेल्थ की डेफिनेशन बताई, उसमें इसने क्या किया, अग्नि को बैलेंस किया, आपके तीनों दोषों को बैलेंस किया, रसादि धातुओं की पुष्टि की, और साथ ही साथ, देखिए मुस्कान से आगे कहते हुए, साथ ही साथ क्या हुआ, जो मैंने कहा कि प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन, इंद्रिया मन, इनको भी प्रसन्न अवस्था में किया। कैसे किया, बॉडी से टॉक्सिन निकलता रहा। अगर मेरी बॉडी बलशाली होगी, देखिए अगर मेरी बॉडी बलशाली है, मैं ठीक लग रहा हूँ, मुझे हेल्दी फील हो रहा है, तो मेरा मन भी तो अच्छा होगा ना। साथ ही साथ इसमें जो हमने हर्ब्स मिलाई हैं, जो उसमें हर्ब्स होती हैं, वो बेसिकली आपके ब्रेन को रिलैक्स भी करती हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि स्ट्रेस बहुत है, एंजाइटीज़ बहुत है, चिंताएं बहुत है, लेकिन अगर हम लोग कुछ रसायन साथ देते हैं,
जो कि हमें पूरे साल हमेशा लेना चाहिए, हम इस बारे में बात करेंगे। अगर हम रसायन साथ लेते हैं तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी तरह की चिंता के अंदर पड़ सकते हैं या फंस सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस कर लेगा। हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए ना ब्रेन को बैलेंस रखने के लिए। जैसे हमारे एक मित्र हैं, वो बोलते हैं कि मेडिटेशन इज द फूड फॉर योर ब्रेन। मैं उनकी बात से सहमत भी हूँ। पेट के लिए तो हम रोटी खाते हैं, बट दिमाग के लिए तो कुछ करते नहीं। तो जी हाँ, अगर हमें कोई भी इसी प्रकार की मदद मिल सके रसायन के थ्रू या किन्हीं हर्ब्स के थ्रू, जो कि हमारी ब्रेन को भी काम करे, रिलैक्स करे, तो बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं, चलिए वापस रसायन के बेनिफिट्स के ऊपर। पहला, रिजुविनेशन, यानी कि रिजुविनेट करेगा आपकी बॉडी में सेल्स को, टिश्यूज़ को, धातुओं को, हर चीज़ को। साथ ही साथ मैं यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगा, ये एक डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट भी है। हम लोग यहाँ रसायन की ही बात कर रहे हैं जो कि बल देता है, लॉन्जिविटी देता है, लेकिन डिटॉक्सिफाई भी करता है। देखिए क्यों? क्योंकि इसमें आंवला है, इसमें और भी बहुत सारी जो हमने हर्ब्स डाल रखी हैं, वो सारी की सारी अग्नि को बढ़ाती हैं। यहाँ मैं थोड़ी सी टेक्निकल बात कर रहा हूँ, लेकिन आशा करता हूँ आप सभी लोग समझ पाएंगे। अगर मेरी बॉडी में कोई टॉक्सिन है तो वो कैसे बना? डेफिनेटली अपच, यानी इनडाइजेशन से बना। अब यहाँ पे अगर मेरी अग्नि बैलेंस हो जाएंगी, 13 तरह की, या कहिए सिंपल एक जठराग्नि भी बैलेंस हो जाएगी, तो क्या होगा? मेरी बॉडी में अच्छी भूख लगेगी, अच्छा पाचन होगा। अगर हम इस च्यवनप्राश के अंदर इंग्रेडिएंट्स पे जाएंगे तो आप देखेंगे इसमें, आप कहोगे अरे डॉक्टर साहब ये तो सब मेरे घर में है, इसमें नया क्या है? क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो दीपन और पाचन करती हैं। दीपन यानी अग्नि दीप्त करना। जो लोग बोलते हैं कि मुझे भूख नहीं लगती और खाया पिया लगता नहीं, तो उनके लिए भी कुछ है। जो लोग बोलते हैं कि मैं खा लेता हूँ, खाना खाती मुझे ब्लोटिंग हो जाती है, पेट फूल जाता है, गैस बन जाती, उनके लिए भी कुछ है। तो यानी कहने का मतलब यह हो कि अग्नि दीपन और पाचन दोनों का काम हो गया, डाइजेस्ट भी हो गया, एपेटाइट भी बढ़िया होगी। तो जब ये एपेटाइजर और डाइजेस्टर का भी काम करेगा तो आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स निकल जाएंगे। और आप बिलीव मी, विश्वास करें ना करें, हम आयुर्वेद बड़ा चमत्कारी है जी। हम कुछ लेते आज हैं, उसका फर्क कभी कभी तो कल ही दिख जाता है, कभी एक साल बाद दिखता है। अक्सर मुझे पेशेंट आके बोलते हैं, सर आपने कुछ दवा दी थी, मेरे बाल काले हो गए। मैं सोचता हूँ कि मैंने दवा तो इनको पेट के लिए दी, बाल कैसे काले हो गए? यहीं पर रसायन चिकित्सा काम आती है। हमारी चिकित्सा में हम हमेशा कोशिश करते हैं कोई रसायन दें जो कि रसायन, वापस वही बात, रसादि धातुओं की पुष्टि करने वाला रसायन, धातुओं को बैलेंस करने वाला रसायन, दोषास को बैलेंस करने वाला रसायन, अग्नि को बैलेंस करने वाला रसायन, और आपको ब्लिसफुल कंडीशन में रखने वाला रसायन। च्यवनप्राश की दोबारा बात करते हैं। देखिए बातें इतनी हैं कि शायद समय कभी भी खत्म ना हो, मैं तो चाहता हूँ, लेकिन समय भी लिमिट है। एनीवेज, तो जब हम रसायन चिकित्सा की बात करते हैं तो जी हम रिजुविनेशन के साथ साथ अग्नि को बैलेंस, यानी कि डाइजेशन की कैपेसिटी को बैलेंस करने की भी बात करते हैं कि इससे आपकी डाइजेशन की कैपेसिटी बैलेंस होती है, आप प्रॉपर एलिमिनेशन होता है आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स का, और आपको भूख अच्छी लगती है, और खाया पिया जितना आपकी बॉडी में लगना चाहिए उतना लगता है। साथ ही साथ ना केवल ये, बल्कि इसके साथ साथ अगर मैं च्यवनप्राश के रोग अधिकार यानी रोगाधिकार की बात करूं तो वह है श्वास कास। श्वास कास का मतलब होता है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होना, जुकाम खांसी होना, जिन लोगों को एस्मा वगैरह होता है वह इसका रोगाधिकार है। और मित्रों मुझे कहना चाहिए, अब तो वसंत ऋतु आ रही है, ये तो वो सीजन है जब पॉलन्स उठते हैं और धूल वगैरह होते हैं, तो जिन लोगों को, जिन फ्रेंड्स को ऐसी दिक्कत होती है सांस लेने से रिलेटेड या साइनसाइटिस वगैरह हो जाता है, तो उस समय बहुत अच्छा होता है। तो हालांकि मैं ये कहता हूँ कि च्यवनप्राश पूरे साल खाना चाहिए, क्योंकि जब हम रोटी पूरे साल खा सकते हैं तो रसायन तो पूरे साल खाना ही खाना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि अग्नि के अनुसार हम चीज़ों को बैलेंस करके उस तरह से खाते हैं, लेकिन हाँ, रसायन चिकित्सा इसीलिए काम की आती है कि आपको बूढ़ा ना होने दे। बूढ़े हम होंगे लेकिन उस प्रोसेस को तो स्लो कर ही सकते हैं। कहते हैं ना कि आपकी क्रोनोलॉजिकल एज तो बढ़ जाए लेकिन वैसे आपकी एजिंग ना दिखे। आपने कई लोगों को देखा होगा जो 75-80 होते हैं बट वेरी फिट। सर आपको देख के लगता है 40 क्यों? वो इसीलिए क्योंकि वो हर तरह के रसायन का सेवन करते हैं। तो जी हाँ, चलिए वापस च्यवनप्राश पे चलते हैं। मैं इधर उधर चला जाता हूँ, मुझे रोक लिया कीजिए। तो चलिए च्यवनप्राश पर दोबारा चलते हैं कि हमने बात कर ली रिजुविनेशन की, हमने बात की डिटॉक्सिफिकेशन की, हमने बात की श्वास कास की, साथ ही साथ बहुत सारी, अब यहाँ जो मैं बातें कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें टाइम टेस्टेड हैं, क्लिनिकली प्रूवन है। कुछ भी ऐसा नहीं कि होता होगा डॉक्टर साहब बोल रहे हैं तो, या क्या पता ना भी होता हो, क्योंकि ट्रायल्स होते हैं ये सब जो कंपोजिशन में ट्रायल्स होते हैं। च्यवनप्राश का बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है उन सारे लोगों को जिनको हाई ब्लड प्रेशर भी रहता है, उन सारे लोगों को जिनको कार्डियक इश्यूज भी हैं, वहाँ भी इसका यूजेज है। जिन लोगों को एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं उन लोगों को, प्लस साथ ही साथ उन सभी लोगों को, जैसा कि मैंने अभी बीच में भी कहा था कि जिन लोगों को नींद नहीं आती, एंजाइटी रहती है, परेशानी रहती है, उन सभी लोगों को। तो देखिए च्यवनप्राश एक कहना तो नहीं चाहिए, च्यवनप्राश एक फायदे अनेक का मतलब ये है कि काम हम एक जगह कर रहे हैं और फायदे कई सारे होते जा रहे हैं। एजिंग कम करता है, एजिंग स्लो करता है, ये तो बहुत परफेक्ट है।
आप देखिएगा लोगों के चेहरे पे ग्लो होता है। हमारे आयुर्वेद में कहा जाता है जो रसायन की जिसकी मैंने आपको परिभाषा बताई, तो रसायन के बेनिफिट्स क्या हैं उसमें कहा गया है, दीर्घम आयु स्मृतिम मेधाम आरोग्यम तरुणम वयः प्रभा वर्ण स्वर औदर्यम स्वरेन्द्रियम बलम परम, यानी कि दीर्घायु देता है लॉन्जिविटी, दीर्घायु स्मृति यानी अच्छी मेमोरी, दीर्घायु स्मृति मेधा यानी इंटेलेक्ट, आरोग्यम यानी कि गुड हेल्थ, तरुण का मतलब जवान है, तरुणम वयः प्रभा मीन्स चेहरे पे ग्लो, प्रभा वर्ण कॉम्प्लेक्शन स्वर गला आवाज, औदर्यम बलम और शरीर को बल देने वाला। तो ये है रसायन के फायदे। अब चवनप्राश की मैं बात कर रहा हूं आपसे और मैं आंवले की बात ना करूं, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं, हम तो बड़े ही इसके साथ हुए हैं ना, हम तो इसी के साथ बड़े हुए हैं, चवनप्राश के साथ। चवनप्राश खाओ और स्ट्रांग हो जाओ, लेकिन जो उसका मेन कंपोजिशन है वो है ऑर्गेनिक आंवले। आंवले से क्या होता है देखिए, जो आपको पता है वो बताता हूँ। आंवले से बाल अच्छे होते हैं, बालों में लगाने से आंवला और रीठा खाने से बाल अच्छे होते हैं। आपको ये भी पता है कि आंवला खाने से ना पेट भी अच्छा साफ होता है ना। लेकिन आप ये बड़ी इंटरेस्टिंग से बात सोचिए, जैसे हर कोई हर्ब होती है, खाना होता है, उसका एक गुण होता है, टेस्ट होता है। आंवला एकमात्र ऐसा है जिसमें हमारे आयुर्वेद में 6 टेस्ट बताए गए हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। ये एकमात्र ऐसा फ्रूट है जिसमें केवल लवण यानी सॉल्ट नहीं, बाकी 5 रस हैं इसमें, 5। अब आप सोचिए एक आंवला उसमें 5 रस, और वो 5 रस का जो कॉम्बिनेशन है वो वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है। वायु भी बैलेंस हो गई, कैसे समझिए। वायु क्या है यहाँ, ये तो मैंने आपको बताया नहीं। वायु है हमारी बॉडी में मूवमेंट से रिलेटेड सारे काम, जैसे गैस बनना अगर इम्बैलेंस हुआ तो हमारे मूवमेंट्स होना, चलना फिरना सोचना, ये सब वायु के काम है। पित्त क्या है, जो कि हमारी बॉडी में अग्नि डाइजेशन मेटाबॉलिज्म को संभालता है। कफ क्या है, जो हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर, अभी जैसे मैं खड़ा हूँ ये स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर तो ये कफ की वजह से है। डेप्थ में जाएंगे तो बहुत बातें हो जाएंगी, लेकिन इतना ही समझते हैं। तो क्या है, अगर हम लोग आंवले का सेवन करते हैं तो आंवला वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है, वायु को बैलेंस कर देगा, यानी अगर आपको गैस की दिक्कत है, इंडाइजेशन की दिक्कत है, ब्लोटिंग की दिक्कत है, तो उसको निकाल देगा, हल्का हो जाएगा। फिर पित्त को बैलेंस करेगा, जो लोग जिनको हाइपर एसिडिटी है या हाइपो एसिडिटी है, यानी कि गैस्ट्राइट जो गैस्ट्रिक जूस है आपका, वो आपका कम सीक्रेट हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, उसको भी बैलेंस करेगा। यहाँ पे किसी भी चीज़ को कम या ज़्यादा करने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है बैलेंस की, क्योंकि परफेक्ट हेल्थ का मतलब है बैलेंस। वात पित्त कफ आपके बैलेंस रहे, बैलेंस का मतलब तीनों बराबर नहीं रह सकते, ये भी एक मिथ है सब लोगों में कि मेरे तीनों दोष बराबर, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपकी जो प्रकृति है उसके अकॉर्डिंग रहे, तो आपके वात पित्त कफ भी बैलेंस रहे, आपकी धातुएं भी बैलेंस रहे, आपका अग्नि भी बैलेंस रहे, तो दैट्स व्हाट इट डज बेसिकली। तो वापस हम लोग वहीं चलते हैं कि जब हम वात पित्त कफ की बात कर रहे थे तो वात पित्त कफ को बैलेंस करेगा। अभी हम आप बात करें आंवले की, तो आंवला वात पित्त कफ और प्लस कफ को भी निकालेगा। तो अगर अक्सर लोग बोलते हैं कि आंवला ठंडा होता है, आप ये समझिए कि इसमें 5 रस हैं, केवल एक नहीं 5 रस हैं। तो आंवला बेसिकली केवल ठंडा नहीं है, वो कफ को निकालने वाला भी है। इसीलिए तो बोलते हैं कि काश कि आंवला पूरे साल ही अवेलेबल होता, लेकिन ठीक है, हमारा जो ऑर्गेनिक आंवला है, अगर हम आंवला रोज सेवन करते हैं तो उससे क्या क्या होता है। संस्कृत की कोटेशन है, चलिए बड़े सिंपली समझाता हूँ, आप इतना ही समझ लीजिए, आपकी आँखों के लिए अच्छा है, आपके बालों के लिए अच्छा है, आपके हार्ट के लिए अच्छा है, जिन फ्रेंड्स को एसिडिटी की दिक्कत रहती है उनके लिए अच्छा है। ये मत सोचिए कि मैं खट्टा खा रहा हूँ तो मेरी एसिडिटी बढ़ जाएगी, नहीं सर, ये खट्टा केवल जिह्वा पर है, टेस्ट पर, जब ये अंदर जाता है तो जो विपाक होता है वो उसका मधुर है, स्वीट है, ये खट्टा नहीं है, खट्टा केवल हमारी जिह्वा पर है, हम लोग जो टेस्ट बर्ड्स हैं उस पर है, पर अंदर जाके ये पित्त को कम करने वाला है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे सारी पेशेंट्स जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है, मैं उनको बोलता हूँ आंवला खा लो रोज, हंसते तो हैं लेकिन फिर दवा छूट जाती है तो खुश भी होते हैं। तो देखिए, आपके फेस पे ग्लो आएगा, आपकी आईज को ठीक करेगा, आपके बालों को ठीक करेगा, आपके बॉडी में से टॉक्सिन्स निकालेगा, पेट को अच्छे से रखेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि पेट की बीमारी मैं ऐसा मानता हूँ कि ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे इंसान को है। साथ ही साथ आपकी हड्डियों को बल देगा, और जरा मैं मॉडर्न साइंस की बात करूँ तो इसको बोलते हैं सबसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। क्या होता है भैया ये एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट चलो समझते हैं, हमारी बॉडी में जितने भी प्रोसेस होते हैं एक के बाद एक, देख से दूसरा, दूसरे से तीसरा बनना, वो सब लोग वो सब क्या होता है, ऑक्सीडेशन से होते हैं, और उससे एक फ्री रेडिकल निकलता है। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन में इससे ये बना तो इससे कुछ हल्का सा निकल गया जो घूम रहा है अकेला, एक फ्री आयन बोलते हैं। अब ये जाके क्या करता है, हमारे अच्छे सेल्स के ऊपर चिपक जाता है, चिपक गया और उनको खा जाता है, और यही हमारी बॉडी में एजिंग का कारक होता है। आपकी बॉडी में एजिंग कब होगी, जब आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज़्यादा होंगे। तो ये आंवला क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। आप ये मानो कि 1 ग्राम के अंदर करीबन 500 मिलीग्राम
विटामिन सी है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं, विटामिन सी के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, है ना, बहुत बड़ी एंटीऑक्सीडेंट। तो क्या करता है, जो भी फ्री रेडिकल जाता है उसको खा लेता है, उसको खा लेता है तो वो अपने अच्छे सेल को नहीं खा पाता। तो आंवला वन ऑफ द बेस्टेस्ट नोन नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। नेचुरल वर्ड जरूर यूज करेंगे क्योंकि इसमें तो कुछ मिलाया ही नहीं है बल्कि ऑर्गेनिक और है, तो डबल बेनिफिट हो गए। हम बोलते हैं ना सर्व 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 द्रव्याणां पंच बहुत पंच महाभौतिकत्व, यानी कि सारी चीजें पंच महाभूत से बनी है, आकाश वायु अग्नि जल और एथर, है ना, इन सारी चीजों पांचों चीजों से मिलकर बनी। तो ये सारी चीजें अगर हमें पंच महाभूत की जो है अगर हमारे आंवले की जो बैलेंस होती है तो सारा काम ही होगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। जी हम जो भी खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, क्योंकि मान लीजिए अंदर आपको कोई गैस आपकी अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, कुछ गैस्ट्राइटिस जैसा कुछ हो गया, उसको भी बैलेंस कर देगा, स्किन अच्छी करेगा, और आईज और बालों की मैंने बात की। प्लस वो सभी लोग जो कई बार मुझसे पूछते हैं कि सर आपने मना किया था जोड़ों का दर्द है खट्टा मत खाना, तो वही बात जी, जोड़ों का दर्द हुआ क्यों समझिए, अगर बॉडी में कोई पेन हुआ तो वो क्यों हुआ, किसी टॉक्सिन की वजह से, अगर क्लींजिंग हो जाएगी तो टॉक्सिन होगा ही नहीं, तो वहां भी काम करेगा। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। यहाँ एक और बात कहूंगा आपसे, आंवले की तो बात हो गई और भी बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन आयुर्वेद में कहा जाता है संस्कारों ही गुणांतरधानम, यानी जब हम किसी चीज का संस्कार करते हैं प्रोसेसिंग करते हैं तो गुणों में प्रत्यंतर वृद्धि हो जाती है। और च्यवनप्राश में केवल आंवला थोड़े ही है, आंवले के साथ और भी बहुत सारी हर्ब्स हैं, साथ में हनी भी है, घी भी है, बहुत सारी हर्ब्स हैं। अब यहाँ देखिए हम लोग च्यवनप्राश में बेसिकली क्या करते हैं, अष्टवर्ग और दशमूल, एक एक करके नाम नहीं लूंगा आप देख सकते हैं, लेकिन अष्टवर्ग और दशमूल इनके साथ में आंवलों को पकाया जाता है। अब देखिए जब हमने उसको उसके साथ पकाया तो क्या हुआ, बेसिकली उनके गुण भी आंवले में आ गए, ये है इंटरेस्टिंग बात, यानी जो हमारी अर्व्स हैं बाकी की उनके गुण भी आ गए आंवले में। तो आंवला ऑलरेडी इतना स्ट्रांग था, अब भैया ये और इतने सारे गुण आ गए, तो आप सोचो आंवला क्या बन गया। तो यही आपका जो च्यवनप्राश है, इस च्यवनप्राश के अंदर क्या होता है, आंवले के साथ साथ और भी बहुत सारी अर्व्स के जो इसके साथ हम इनको कुक करते हैं वो सारे गुण भी आ जाते हैं। तो आंवला तो पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर खूब बड़ा हो गया, इतना स्ट्रांग हो गया आंवला कि अब वो सर से लेके पांव तक सारी बीमारियों में काम करता है। चलिए बीमारी की बात ना करें, हम तो स्वस्थ की बात कर रहे हैं, आप स्वस्थ हैं तो पहले तो मैं यही चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, तो मैं ये चाहता हूँ कि उस स्वस्थ को मेंटेन करने के लिए हम इस हाईली स्ट्रांग आंवले की पिष्ठी या पेस्ट, जिसको आप च्यवनप्राश बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी दवा हर्ब्स नहीं दवा सॉरी हर्ब्स मिली हुई आपके मसाले मिले हुए, उनका प्रयोग करें। साथ ही साथ जब ये पूरा च्यवनप्राश बनता है तो उसमें कुछ प्रक्षेप द्रव्य डाले जाते हैं। प्रक्षेप द्रव्य क्या होते हैं, च्यवनप्राश तो बन गया, पेस्ट पूरा बन गया, बहुत बढ़िया, इसमें हम ऊपर से कुछ और प्रक्षेप द्रव्य डाले, जैसे वंश लोचन हो गया, आपका दालचीनी हो गई, तेजपत्ता हो गया, तो ये मसाले हमने और डाल दिए। अब ये जो मसाले और डाल गए तो क्या हुआ, इसमें और स्ट्रांग हो गया, पोटेंसी बढ़ गई, उसकी पोटेंसी बढ़ गई, तो उसका जो काम करने की एफिकेसी थी वो उससे भी और ज़्यादा हो गई। तो काम करने की एफिकेसी ये 2x 3x 4x नहीं हुई, बट इतनी हो गई जो आपकी बॉडी के लिए परफेक्ट है। अब इसने आपकी बॉडी में डाइजेशन भी स्ट्रांग किया, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग की, वाइटैलिटी भी लाया, आपको बूढ़ा भी नहीं होने दिया, कुछ भी नहीं, हर चीज़ आपकी स्ट्रांग, यानी मेरी सारी धातुएं भी स्ट्रांग हो गई, मेरे सारे दोषास भी बैलेंस हो गए, सब कुछ स्ट्रांग हो गया। और ये सब कैसे हुआ, जी हाँ, आपके अपने टाइम टेस्टेड च्यवनप्राश को, मैं मानता हूँ ये किताबों में लिखा है, जो मैंने आपको स्टोरी बताई 2 मिनट की वो भी किताबों में है, लेकिन मैं इतना ही जानता हूँ क्योंकि मुझे इतने साल हो गए आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हुए, तो मुझे इतना पता है कि जब हम काम करते हैं, जब हम किसी चीज़ को मन से सेवन करते हैं, ईश्वर प्राणिधान कहते हैं इसको, एक योग का एक पार्ट होता है, तो डेफिनेटली वो चीज़ काम करती है। तो जी हाँ, च्यवनप्राश फोर्टिफाइड विद अ लॉट ऑफ गुड इन्ग्रीडियंट्स हर्ब्स, जो कि उसके गुणों की प्रत्यंतर वृद्धि करता है, अगर हम उसका सेवन करते हैं स्ट्रांग होंगे, वाइटैलिटी आएगी, और जी हाँ, एजिंग को जितना हो सके स्लो कर पाएंगे। तो हम इसका ध्यान रखें, च्यवनप्राश का रेगुलर सेवन करें। और जी हाँ, अक्सर मुझे लोग ये भी पूछते हैं कि इसकी डोजेज क्या है, कितना खा लूँ। कुछ लोगों को बड़ा टेस्टी लगता है, विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं विदेशों में ट्रैवल करता हूँ तो लोग कभी कभी तो आधा आधा डिब्बा खा जाते हैं, कि उनको ये टेस्ट अच्छे लगते हैं। अपने देश में तो अपने लोगों को मीठा अच्छा लगता है ना, बाहर के लोगों को मीठा नहीं, एस्ट्रिंजेंट पंजेंट अच्छा लगता है, तो कहते पूरा ऐसे नहीं करना है, मात्रा का ध्यान रखिए। जी हाँ, रोटी रोटी 2 रोटी की भूख है, 6 रोटी खा ली तो क्या हुआ, हो गया ना साइड इफेक्ट, उसी तरह हर चीज़ की मात्रा होती है। तो यहाँ जो मात्रा है वो 12 से लेकर 24 से 26 ग्राम तक है पर डे की एडल्ट्स के लिए, बच्चों के लिए 6 ग्राम, यानी कि करीबन हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून हो गई, 1 टीस्पून नॉट हीव्ड हल्की वाली, करीबन 6 ग्राम सुबह शाम है, आप ऐसे से इसका प्रयोग करिए। प्लस आयुर्वेद में ये भी कहा जाता है कि अनुपान बहुत ज़रूरी है। अनुपान क्या होता है कि भाई च्यवनप्राश को किससे लें, ब्रेड पर लगा के खा लें क्या है, तो अनुपान बहुत ज़रूरी है। अनुपान का मतलब हुआ, अगर आप दूध ले सकते हैं
तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो पानी से गुनगुने गर्म पानी से भी ले सकते हैं। सुबह शाम इसका नियमित सेवन करने से जो मैंने सारे आपको बेनिफिट्स बताए वो सारे बेनिफिट्स होंगे। और यहाँ ये भी कहूँगा कि च्यवनप्राश में जो हर्ब्स मिली हुई हैं वो ऐसी नहीं है कि केवल सर्दियों में खाने की है, ना ऐसी कि केवल गर्मियों में खाने की। वो जो हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है वो छों ऋतुओं के अंदर 365 डेज खाया जा सकता है। आप बस मात्रा का ध्यान रखें और मन से खुशी से च्यवनप्राश का सेवन करें, क्योंकि ये आपको स्ट्रेंथ करेगा, वाइटैलिटी देगा, एनर्जी देगा, और हाँ ऐसा कर देगा कि कम से कम ये शीर्षती शरीरों से दम दूर रहेंगे। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। च्यवनप्राश हमारी जिंदगी में कैसे आया और इसके खास फायदे और इस्तेमाल क्या हैं, इस पर हमारे साथ अपनी समझ को शेयर करने के लिए मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत कुछ सीखा है और मुझे यकीन है कि हमारे सभी सुनने वालों ने भी काफी कुछ सीखा है। आज अपना समय देने के लिए हम सब आप सभी को धन्यवाद देते हैं। और मैं फिर से ये कहना चाहूंगी कि च्यवनप्राश बाय एम्वे न्यूट्रेट बहुत सारे गुणों से भरपूर है, जैसे कि 16 ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बना है, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, और ये हमारे प्योरिटी, सेफ्टी और पोटेंसी के PSP क्राइटेरिया के साथ आता है। तो क्या आप तैयार हैं हमारे नए इम्यूनिटी पार्टनर से मिलने और उसका आनंद लेने के लिए? थैंक यू।